नमस्कार स्टूडेंट, 3 - √5 का होल स्क्वायर साबित करना है, ये इरेशनल होगा, इरेशनल है ही, जरूर साबित होगा। इसको साबित करने के पहले हम दो पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई नंबर a बाई बी के फॉर्म में है, जहाँ की बी जीरो नहीं है, तो ये रैशनल होगा, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर b जीरो नहीं है, यानी डिनोमिनेटर अगर उसका जीरो नहीं है, तो वो रैशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। दूसरी बात है कि अगर x इज इक्वल टू वाई हो, मान लो कि अगर x और y इक्वल है, आप प्रूफ कर दिए, x इज इक्वल टू वाई अगर है, तो x अगर रैशनल है तो y भी रैशनल होगा, अगर x इरेशनल है तो y भी इरेशनल होगा। लेफ्ट हैंड साइड रैशनल और राइट हैंड साइड इरेशनल अगर आ जाए, तो आपका मानना गलत था। ये दो पॉइंट आप याद रखें, उसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। 3 - √2 का होल स्क्वायर को साबित करना है इरेशनल है, हम इसको रैशनल मान लेते हैं। बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग इसको प्रूव करेंगे। मान लिया लेट 3 - √5 होल स्क्वायर बी रैशनल नंबर, मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर 3 - √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी के फॉर्म में आ गया, जहां पर कि b जीरो नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर माने हैं, तो रैशनल नंबर का फॉर्मेट यही है। यहां पर लिख लो b इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये आ जाता है a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा, और -2ab यानी 3 - √5, 6 √5 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9 + 5 = 14, -6 √5 इज इक्वल टू ए बाई बी। 6 √5 इज इक्वल टू 14 माइनस ए बाय बी, ये इस साइड गया तो प्लस हो गया, ये इस साइड आया तो माइनस हो गया। हम लोग यहाँ पर √5 रखेंगे और ये 6 जो मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 14/6 माइनस ए बाय 6b। ये हमारा इक्वेशन आया, जिस पर कि हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था। अब देखो 14/6 एक रैशनल नंबर, सिंस 14/6 इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं। a by b को हम लोगों ने रैशनल नंबर माना था, तो a by 6 b भी रैशनल होगा, एंड a by 6 b इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक, अब डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर ही होगा, इरेशनल हो नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों रैशनल है, तो दोनों का डिफरेंस रैशनल होगा, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर 14/6 माइनस ए बाय 6b इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर ही रहेगा। लेकिन अगर ये वाला पार्ट रैशनल नंबर है, लेकिन √5 इरेशनल है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, और यहीं पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्पशन, ये हमारा जो मानना था उसको ये गलत साबित कर देता है, कि ये a by b जो हम लोगों ने माना था कि ये रैशनल है, वो गलत हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं therefore 3 - √5
होली स्क्वायर ये रैशनल माने थे, इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर होता तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। और जब 3 √5 का होली स्क्वायर रैशनल नहीं है तो हम बोलेंगे देयरफॉर 3 √5 का होली स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। और यही हमको प्रूव करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जय हिंद।